नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार। आप बने हुए न्यूज पेयर के साथ। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एनडीए की सरकार, सीएम नीतीश कुमार पलटी मारे, उसके बाद आज कैबिनेट की दूसरी बैठक हुई है। नए सरकार में कैबिनेट की दूसरी बैठक, जिसमें नए डिप्टी सीएम भी दो, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। देखिए, 14 एजेंडों पर मोहर लगी है कैबिनेट की इस बैठक में। जो नई सरकार बनते ही कैबिनेट की दूसरी बैठक हुई है, 14 एजेंडों पर मोहर लगी है। उन एजेंडों में क्या क्या है, देखिए इस खबर में। एनडीए के साथ नई सरकार बनते ही बिहार में दूसरी बार कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें कुल 14 एजेंडों पर मोहर लगी है। मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक में कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट ने विभिन्न विभागों से जुड़े 14 प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति कर दी है। नीतीश सरकार इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए बिहार सरकार नई पॉलिसी लेकर आई है। इंजीनियरिंग छात्रों को सरकार अब 10,000 रुपये का स्टाइपेंड देगी। इंटर्नशिप पर यह राशि दी जाएगी। बीटेक के 7वें सेमेस्टर में इंटर्नशिप करने पर राशि मिलेगी। वहीं विज्ञान, प्रौद्योगिक एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रीय कार्यालय में ग्रुप डी के आवेदन के लिए कोई फीस नहीं लेगा। 3,46,777 आवेदनकर्ता को इसका लाभ मिलेगा। बिहार सरकार राज्य भर में 2,165 पंचायत भवन बनाएगी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 1,083 और सामान्य क्षेत्र में 1,082 भवन बनाएंगे। इस पर कुल 6,10,38,707 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नीतीश कैबिनेट ने उद्योग विभाग के अंतर्गत एक्स सिलेटिंग एवं एमएसएमई परफॉर्मेंस के तहत सूक्ष्म, लघु एवं माध्यमिक उद्योगों के क्षमता वर्धन एवं कोरोना वैश्विक महामारी के कारण पड़े दुष्प्रभाव को कम करने के लिए विश्व बैंक समर्थित सेंट्रल योजना रैप के तहत 140.74 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति एवं संविदा आधारित पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पटना।